अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कैरमल फ्लेवर्ड सेवई, जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अगर इस तरह की सेवई आपने पहले ना बनाई है तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत रिच सेवई बनती है। इसका ये जो टॉफ़ी फ्लेवर आता है कैरमलाइज करने से, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए शुरू करते हैं इसे हम बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध। इसे हम बॉईल आने तक पका लेते हैं। तो जब तक इसमें बॉईल आता है, इसे हम दूसरे गैस पे रख देते हैं और तब तक हम इसके दूसरे काम कर लेते हैं। अब एक पैन ले लें, इसमें हम डाल रहे हैं देसी घी 1 टीस्पून, एक छोटा चमचा। इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिया है कुछ काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश पी ली है। इसे बस 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे ताकि अच्छा फ्राई हो जाए। आप चाहें तो इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे वॉलनट्स, अखरोट या चिरौंजी, कोई भी। तो अच्छा फ्राई हो गया, अब इसे हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ सेवई जो हमने ली है, अराउंड आधा कप। इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। कुछ सेवई ऐसी मिलती हैं जो ऑलरेडी रोस्टेड यानी भुनी भी होती हैं, तो उन्हें इस तरह से भूनने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे 1 मिनट बस ऐसे ही भून ले रहे हैं और इसके वो हम अब निकाल देते हैं। तो अब हमने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, जिसमें हम तैयार करेंगे इसका कैरमल, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए हमने लिया है 1 कप शक्कर। इसे स्लोली मिला लेते हैं। इसकी फ्लेम हमने रखी है लो टू मीडियम, ताकि एकदम से जलने ना लगे। इसे हल्के से मिलाते रहिए और देखिए शक्कर पिघलना शुरू हो गई है धीरे धीरे। नॉर्मल सिवई तो सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन ये कैरमल फ्लेवर्ड सेवई अगर आपने पहले ना ट्राई की हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इसका जो एक टॉफ़ी फ्लेवर आता है, वो सेवई को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। इसमें बच्चे क्या बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। नॉर्मल सेवई वैसे भी हम सब खा खा के उब गए हैं और थोड़ा बोर से हो गए हैं, तो अब ये जो एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आएगा सेवई में, तो वो सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो शक्कर बहुत अच्छे से पिघल गई थी, तो इसमें अब हमने थोड़ा पानी आधे कप के करीब डाल दिया है इसमें, और इसको अब चलाते रहें, इसी तरह से मिक्स करते रहें ताकि क्रिस्टल ना रहे, अच्छे से ये घुल जाए। तो कैरमल हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसे अब हम अलग रख देते हैं, और जो दूध हमने दूसरे गैस पर रखा था उसे हम वापस ले आते हैं। वो भी अच्छे से उबल गया है। तो ये देखिए दूध उबल चुका है और क्वांटिटी भी इसकी थोड़ी कम हो गई है और ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये हमने 100 ग्राम के करीब खोया लिया है, और इसमें अब हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, ये 2 टीस्पून है। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। मिल्क पाउडर अगर आपके पास है अवेलेबल ईजिली, तो आप डालें ज़रूर इसमें, क्योंकि इससे और भी अच्छा टेस्ट इसका आएगा, इन्हांस हो जाएगा, बिल्कुल दानेदार ये वैसे बनेगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हमने जो सिवई और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे, वो भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर, और अब इसमें हम डालते हैं जो हमने कैरमल तैयार किया था, वो अब इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो कैरमल डालते ही ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, ये बिल्कुल सुनहरा गोल्डन हो गया है। और कलर ही नहीं, टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब सब चीज़ें इसमें डल चुकी हैं, इसे बस हम अच्छे से पका लेते हैं थोड़ी देर और। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं।
और बहुत ही क्विक और जल्दी बन के तैयार हो जाती है। डिफरेंट ही नहीं, बहुत ही क्विक भी है। तो थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से हम और डाल दे रहे हैं। तो इस तारीफ़ के काबिल कैरेमल फ्लेवर्ड सेवई को आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर खिलाएं अपने सभी घर वालों को। आई एम श्योर कि ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।